एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई वेरिएबल की वैल्यू इवन है या ऑड है, ये हम कैसे चेक करेंगे और इसका हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम इसको समझ लें कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू हमने मान ली 5। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये इवन है ऑड? अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितने टाइम जाएगा? ये 2 टाइम जाएगा और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो अब यहाँ तो हमने मैथमेटिकली देख लिया, अब इसको अगर हम कोड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे कि भाई मान लीजिए बी हमारा रिजल्ट आएगा तो ए बाई 2। तो अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। अब ये 2 क्यों आएगा, 2.5 क्यों नहीं आएगा? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये b जो हमारा वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का, तो वो फ्लोट वैल्यू नहीं लेगा। तो अब ये 2 आ गया तो इससे हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर हम b में a मॉडुलस 2 लिखें, यानी कि a परसेंटेज 2, तो ऐसे क्या होगा, ये रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो कैसा हो गया, ऑड हो गया, और अगर 0 आया तो वो इवन हो गया। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसका फ्लोचार्ट बनाते हैं। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट। अब हमें क्या करना है कि ये नंबर रीड करना है पहले कि नंबर है क्या। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, रीड द नंबर इन कोई भी वेरिएबल। मैं मान लेता हूं नम नाम का एक कोई वेरिएबल है। अब इस नम को हमें डिवाइड करना होगा 2 से। तो अब यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये काम करेंगे और ऐसा हुआ तो दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमने नम को 2 से डिवाइड किया और अगर वो इक्वल टू आया 0 के, ये बात सही भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यानी ये बात इसका रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ये बात सही हुई यानी ये, और ये बात गलत हुई यानी ये कंडीशन, नम को हमने 2 से डिवाइड किया अगर 0 आया तो, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर कैसा होना चाहिए, अगर 0 आया रिमाइंडर तो कैसा होगा, वो इवन होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट पूरा मैसेज आप लिख सकते हैं कि द नंबर इज इवन। मैं यहाँ पर केवल इवन लिख रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ, 0 नहीं आया, कुछ भी आया, 1 आया या कुछ और आया, तो हम लिख देंगे प्रिंट नंबर इज ऑड या कोई भी एक मैसेज। अब ये तो हो गया, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। कुल मिला के हमें क्या करना होगा, बस एंड करना होगा। तो एंड हम 2 नहीं लगा सकते, एंड हमें एक ही करना होगा, क्योंकि स्टार्ट एक ही है तो हम एंड भी एक ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड। ये मर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि या तो हम इधर वाली कंडीशन में आ रहे हैं तो ऐसे आ गए, और इधर वाली कंडीशन में आए हैं तो ऐसे आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसका फ्लोचार्ट बना लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा। पर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।